वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं आप लोगों से एक पर्सनल बात करना चाहूँगी। गाइस, बात यह है कि मैं किसी वजह से मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू किया था, तो बहुत सारे लोग हैं, फैमिली मेंबर्स भी है और फैमिली मेंबर्स में सब आते हैं, और भी लोग जो आस पास के लोग हैं, और भी लोग तो जो आस पास के लोग जो वीडियो देखते हैं, तो वो डायरेक्ट आके वो अगर हमारे घर वालों को जानते हैं तो वो हमारे घर वालों को आके बताते हैं कि ये देखो तुम्हारी, हमें सब पता है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और वो मतलब कि बताते हैं कि ऐसा कैसा हो गया, ये वो और मुझे भी बताते हैं कि तुम्हारी बेटी वीडियो बना रही है, तुम्हारी बहू वीडियो बना रही है, तुम्हारी बहू की जो बातें हैं या फिर कुछ भी है, अपनी जो भी सिचुएशन है या फिर जो कुछ भी है, वो देखो वीडियो बना के डाल रही है, देखो पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारी बदनाम हो रही है, बेइज्जती हो रही है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं आप लोगों के मतलब आप लोग जो बोल रहे हो ये सब सुन के डर के टेंशन ले के कि आप ये लोग मेरे बारे में ये बोल रहे वो बोल रहे हैं, तो मैं ये सब कुछ करना छोड़ देती हूँ है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि हर इंसान यूट्यूब पे ज़रूरी नहीं है, कुछ इंसान अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कुछ इंसान किसी को ज़रूरत होती है, या फिर कुछ लोगों को एक्टिंग का शौक़ होता है, कुछ लोग टाइम पास के लिए आते हैं, या फिर किसी के अंदर क्वालिफिकेशन है या फिर क्वालिटी है, कुछ भी है, वो किसी वजह से आते हैं। तो मैं अगर अपनी प्रॉब्लम की वजह से आई हूँ तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को तो पहली बात शेयर नहीं करूँगा। और दूसरी बात कि अगर बाई चांस मैंने किसी को शेयर कर भी दिया है, तो कौन से किसी ने मेरा साथ दिया है? सब मुझे सब यही कहते हैं कि तुमने गलती की है तो तुम सजा भुगत रही हो। तो ठीक है आंटी जी, सजा भुगत रही हो तो तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? तुम लोगों को दिक्कत किस बात से? मैं यूट्यूब पे आई इस बात से दिक्कत है कि मैं कहीं गलती से फेमस ना हो जाऊँ, इस बात से दिक्कत है तुम लोगों को? या फिर इस बात से दिक्कत है कि तुम अपने तुम्हारे बच्चे भी हम मुझे देख के यूट्यूब पे आ जाएंगे? या फिर तुम्हें इस बात से दिक्कत है कुछ घर की बहुएं प्यारी पे? तुम्हें इस बात से दिक्कत है कि मेरे पति ने मतलब कि मुझे बोल दिया कि तुम वीडियो बनाना है तो बना सकते हो? और कुछ घर की सासों, तुम लोगों का है क्या, तुम लोगों को प्रॉब्लम, तुम लोगों को क्या दिक्कत है कि तुम्हारी बहू ऐसा कर रही है, तुम्हारी बहू ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है? ये आप लोग क्यों भूल जाते हो कि एक वक्त ऐसा था जब आप भी बहू थी और आपने भी बहुत सारे सिचुएशंस को फेस किया? तो आप चाहते हैं क्या कि जो सिचुएशन आपने फेस किया वही सिचुएशन आज आपकी बहू फेस करे? नहीं, दो तरह की सोच रखते हो। एक तो आप लोग ये सोचते हो कि हमारी बहू संस्कारी हो, सबका मान सम्मान रखने वाली हो, और सबसे मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे मतलब जहाँ भी आप लोग जाओ आपकी बहू की वजह से आपको सब लोग इज्जत। और दूसरी ओर आप लोगों का तालमेल पता है क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि आप सारी सासें होती हैं 1986 की और बहुएँ लेके आई है 2022 की। तो 1986 और 2022 में बहुत अंतर आ चुका है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। आजकल की जो लड़कियाँ हैं ना, 1986 में कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन आजकल की जो लड़कियाँ हैं ना, पढ़ सकती है, लिख सकती है, अपने स्टैंड के लिए खड़ा हो सकती है, अपने लिए कुछ कर सकती है। मुझे तो समझ ही नहीं आते कि आप लोगों को दिक्कत किस बात से। आज अगर मुझे कोई तकलीफ हो रही तो आप लोग मेरा साथ दे रहे? अरे दुख में तो अपने अपने के साथ नहीं देते, माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, भाई बहन साथ छोड़ देते हैं कि अरे इसने तो ऐसा किया है, हम क्यों जाए, जैसी कमी वैसी भली। आप लोगों ने एक डायलॉग बना लिया है। तो जब आप लोगों ने ये डिसाइड ही कर लिया है कि उसको सुख नहीं देना है किसी को, तो आप लोग दुख भी क्यों देते हो? ज़रूरी है क्या किसी को दुख दे? आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती है, ये एक दूसरे को भड़काना बंद करो और दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाई बंद करना बंद करो, ठीक है?
अगर आप किसी की प्रॉब्लम को समझ नहीं सकते हो तो उसे मतलब ये भी मत रियलाइज करवाओ कि मतलब उसका इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर, क्योंकि मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाली। जिसको जलना है जलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है, भगवान ने मुझे एक बार दिया है और मैं उसे बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। आप लोगों के कहने पर क्या मैं सुसाइड करूँ? मर जाओ, मेरा बच्चा नहीं है, मैं आगे पीछे ना देखूँ, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए नहीं सोचूँ, जीऊँ ना मैं? मतलब तो हद ही हो गई है मेरे वीडियो बना लेने से। आप लोगों को अगर इतनी दिक्कत है तो आप लोग भी बनाओ ना, मेरे फेमस हो जाने से अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है तो आप भी हो जाओ, मुझे पीछे कर दो, हो जाओ फेमस। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आस पड़ोस के लोग देख के जले ना और थोड़ा धैर्य रखे, आप लोग भी एक दिन बहुत आगे जाओ। और हर इंसान की ज़िंदगी में मजबूरी आती है और हर इंसान की ज़िंदगी में ना सुख दुख लगा ही रहता है। किसी की प्रॉब्लम को समझो, किसी की दुख तकलीफ को समझो। मुझे तो बहुत बुरा, मानती हूँ गलती हुई है, मानती हूँ कि बहुत सारी सिचुएशन फेस कर रही हूँ। आप ऐसा मत करा करो कि तुम लोग ना भी नीचे मत गिरा मुझे कि मैं सीधे कुछ करने की सोचूँ। जानती हूँ कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में तो मेरे अपने साथ कुछ नहीं दे रहे, मेरे अपने मुझे समझने में तैयार नहीं है, तो मेरे छोटे भाई बहन मुझे ताना देते हैं, जो मेरे घर वाले, जो मेरे खुद के घर वाले ताना देते हैं, या मेरे खुद के घर वाले मुझे समझ नहीं करते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं तो कुछ करूँगी ना, मैं तो जीने के लिए तो कुछ करूँगी ना। क्या करके मुझे सपोर्ट करें और दोस्त।